नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जिले के बसीड़ी थाना इलाके में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक पति ने अपनी दोस्तों से न केवल अपनी पत्नी का गैंगरेप करवाया बल्कि उसके गुप्तांग में मिर्च और झंडू बम लगाने जैसी हैवानियत को अंजाम दिया है। पीड़िता की शादी महज 6 माह पहले हुई है। पति की दरिंदगी से तंग आई पीड़िता ने अपने पीहर पक्ष के लोगों को जब इसकी जानकारी दी तो उनके होश उड़ गए। पीड़िता ने अब बसेड़ी थाने में पति और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। धौलपुर पुलिस उपाधीक्षक परविंद्र महिला के अनुसार 23 वर्षीय इस पीड़िता का विवाह 14 जनवरी 2021 को हुआ था। शादी के बाद से ही ससुराल वाले उस पर दहेज के लिए दबाव बनाने लग गए थे। दहेज की डिमांड पूरी न होने पर पति समेत ससुराल के अन्य लोगों ने उस मारपीट कर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। पीड़िता ने थाने में दी अपनी रिपोर्ट में बताया कि 26 जून की रात को करीब 12 बजे उसका पति एक अनजान युवक को घर लाया था। उस युवक ने पति के सामने ही उसके मुंह में कपड़ा ठूंस कर रेप किया। पीड़िता ने बताया दूसरे दिन भी पति अन्य लोगों को घर लेकर आ गया था, उन्होंने भी उसके साथ गैंगरेप किया। आरोपियों ने उसका गुप्तांग में मिर्च और झंडू बम लगाकर बेहोश कर दिया। 2 दिन तक पति ने दरिंदों से उसका रेप करवाया था। इस हैवानिया से डरी सहमी पीड़िता ने इसकी जानकारी किसी तरह अपने पीहर पक्ष के लोगों को दी। वारदात की जानकारी मिलने पर परिजनों के जमीनों तले जमीन खिसक गई। पीड़िता के माता पिता उसके ससुराल पहुंच गए। बेटी की हालत देख माता पिता को रोना आ गया। वे अपने बेटी को लेकर बसेड़ी थाने पहुँच गए और दामाद और अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल बोर्ड से मेडिकल करवा लिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है लेकिन फिलहाल उनका कोई सुराग नहीं लग पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।